सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बिस्कोहर में मवेशियों को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां मवेशियों को खिलाने की जो व्यवस्था होती है उसे कौन डकार जाते हैं पता नहीं। जब मवेशियों के दाने चारे पर रहनुमाओं की नजर जम गई, फिर व्यवस्था काहे का सही होगा। जिसको लेकर के समाज सेवी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जब मीडिया से बातचीत के दौरान ये बताया कि हमने गौशालाओं की व्यवस्था और सामुदायिक शौचालय नगर पंचायत के लिए मांग की, लेकिन आज तक ना तो मवेशियों के लिए गौशालाओं की समुचित व्यवस्था हो पाई और ना ही सामुदायिक शौचालय की। जहां अधिशासी अधिकारी बिस्कोहर को तो हर कार्य वो नजरअंदाज करते रहते हैं। क्षेत्र में गौशाला तो बना है लेकिन छुट्टा पशु रोड पर घूम रहे हैं, लोगों को चोटिल कर रहे हैं, पर जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है लेकिन जिम्मेदार मस्त रहते हैं। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। और में शौचालय और गौशाला को लेकर के यहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी नहीं देखी गई, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से नगर पंचायत बिस्कोहर गुणवत्ता विहीन जो काम होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। आज किसान अपनी फसलों को रखाने के लिए रात रात भर लाठी डंडा लेकर अपने खेतों में डटा हुआ है। गौशाला का अगर स्थिति ठीक होता तो किसान अपने खेतों में रात भर लाठी डंडा लेकर रखाने का काम नहीं करता। ये गौशाला की स्थिति पूरी तरह से दयनीय है। गाय जो उनका चारा दाना जो भी आता है पता नहीं कहाँ चला जाता। हम लोग ईओ से कहे, संबंधित अधिकारी एडीएम साहब से कहे, लेकिन कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है। अगर गौशाला की स्थिति की सुनवाई ढंग से अगर नहीं हुई तो हम लोग यहाँ के लोग को इकट्ठा कर बड़ा आंदोलन नगर पंचायत के खिलाफ खड़ा करने का काम करेंगे। बिल्कुल, शौचालय को लेकर के क्या व्यवस्था? हम लोग मांग अभी ईओ साहब से किए थे, टेलीफोन से हमारी बात स्वयं हुई थी। उनसे कहा गया था कि बस स्टाफ पर, नगर पंचायत जो मुख्य बस स्टाफ है बिस्कोहर का, वहाँ शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि रुपया बहुत अधिक आया और शौचालय भी है नहीं, जिससे जो है यात्रियों को या व्यापारियों को या कोई भी जो है यहाँ बस स्टाफ पर आया तो उसको दिक्कत होता है। तो शौचालय बनने से यह दिक्कत दूर हो जाएगा।